मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है? दिव्या जी तो उनकी कितनी अच्छी दोस्त है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या। अरे आप कमाल है, आप ही के बारे में सोच रही थी और आप सामने आ गई, जैसे आपने मेरी मन की बात सुन ली हो। क्या हुआ श्रेया, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। दिव्या जी बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने मुझे आपसे बात करने से और मिलने से मना कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों के बीच कोई अनबन हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है श्रेया, कभी कभी दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों का कोई दोष है, क्योंकि वजह तो कोई तीसरी ही होती है। श्रेया मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सविता की सबसे बड़ी ताकत हो, अगर तुम सविता के साथ हो तो वो कोई भी लड़ाई लड़ सकती है, और इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी भी सूरत में तुम सविता का साथ मत छोड़ना, अगर तुम दोनों एक हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें सविता का सहारा बनना है। हाँ दिव्या जी आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कह रही है। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी तुम श्रेया, क्योंकि मैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में इतनी बाधाएं डाल दूंगी कि तुम उनमें ही उलझ कर रह जाओगी, ताकि सविता पे ध्यान ही ना दे पाओ, चाह के भी उसकी सहायता नहीं कर पाओगी, सहारा नहीं सरदर्द बन जाओगी उसका। इस बार अलक्ष्मी का वार तुम दोनों अष्टलक्ष्मियों की निश्चित कर देगा हार। इसके आगे कार नहीं जा सकती सर। ये देखिए पापा, ऋषभ वर्मा द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, लगातार तीसरी बार बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला इसे। वाह, बंदे के पर्सनालिटी में तो दम है ही है, पर बंदे में भी दम है। मुझे भी ऐसे ही बिजनेसमैन बनना है। और वो तेरी तरह ऐसे फालतू बैठ के मैगजीन नहीं पढ़ता होगा, तभी बना इतना बड़ा बिजनेसमैन। उड़ाओ उड़ाओ जितना मजाक उड़ाना उड़ाओ। पापा जब इसने शुरू किया था ना, तब ये भी मेरी तरह था, अब देखो कहां से कहां पहुंच गया। मतलब हिंदुस्तान के जगह जगह पर इसकी होटल्स है, पेट्रोल पंप्स है। अरे जिस बिजनेस में हाथ डालता ना, उस बिजनेस का प्रॉफिट सीधा रॉकेट की तरह ऊपर। अगर इतना बड़ा है तो उसको बोल कि हमारे सेफ के बिजनेस में पैसा डाले। पापा हमारे बिजनेस में, अरे पापा वो 5-star और 7-star होटल बनाता हो, हमारे नमकीन के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अरे हमारी दुकान तो छोड़ो, इस मार्केट में कदम तक नहीं रखेगा, वो बहुत बड़ा आदमी है वो। अच्छा अब तू भी अपना हाथ बढ़ा और जा, जाके पेंट का काम खत्म कर। अरे यार एक पेंटर बहाने बनाते रहता है, सुबह से किताब पढ़ रहा है। पापा ने कहा था कोई कस्टमर आए हैं। जी सर का उसने बिठाया और सारी अच्छी ज्वेलरीज अंदर भिजवा दी हैं। गुड थैंक यू। सो सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। इट्स ओके, कभी कभी इंतजार करना अच्छा लगता है। आप? हाय Shubh Laabh, nice to meet you again. It's okay. Actually, मुझे एक बेशकीमती चीज की तलाश थी, so I got to know यहां मिलती है, इसलिए मैं यहां आ गया।
well, हमारे स्टोर का बेस्ट कलेक्शन आपके सामने रखा है. हमने खुद सूरत से चुन के लिए है डायमंड्स. अगर आपको हैवी में जाना है तो फिर ये वाला अच्छा रहेगा, और अगर लाइट वेट डेलिकेट चाहिए तो फिर ये वाला भी अच्छा है. It's beautiful. Lovely. Actually, वो मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं. अब बिजनेसमैन हूँ ना, तो प्रेजेंटेशन की आदत सी पड़ गई है, तो जब तक डेमो नहीं मिलता मज़ा नहीं आता. इफ यू डोंट माइंड, क्या आप ये ज्वेलरी पहनकर ट्राई कर सकती हैं? आई मीन, आप पहनेगी तो इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी. एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी. एक्चुअली जिसके लिए मैं ले रहा हूँ उनका चेहरा हूबहू आपकी तरह दिखता है. बड़ा कोइंसिडेंस, राइट? वही आंखें, वही चेहरा, वही होंठ. बस बस, समझ गई. आपको डिसाइड करने में इजी होगा, मैं ट्राई करके दिखाती हूँ. थैंक यू. Wow. It's looking amazing. Can you try this? It's okay. No, it's okay, Manan. Let me help you. I mean, I'll just... Don't worry. Relax. I'll help you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.